सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं बहुत ठंड हो रही है। सुबह सुबह तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए मेरा ये हाल है गाइस। सब लोगों का यही हाल है, मेरा ही मेरा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ गाइस। ये है आयुष, ये फ़ोन देख रहा है पूरा मुँह छुपा के अपना, कि सबको मेरी सच्चाई पता नहीं चल जाए कि मैं फ़ोन देख रहा हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने खिड़की पे कैसा करा है, पर्दे के ऊपर से ही लगाए ताकि ठंडे ना लगे हमको, ठंडी बाहर से हवा ना जाए, क्योंकि दो खिड़की हम खुली रखते हैं। सो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिम्बा कहाँ है। तो गाइस, वो गया है मॉर्निंग वॉक पे मामा जी के साथ। तो जब वो आएगा हम आपको सिम्बा जी से भी मिलवाएंगे। अब हम चलते हैं बाहर अपने इस कवच से निकल के और करते हैं सूर्य देव के दर्शन। चलो चलते हैं गाइज। यहाँ किचन में बन रहा है नाश्ता, सुबह का मौसी बना रही है हम सब। गाइज, अब बाहर चलते हैं। सो गाइज, देखिए ये है सिम्बा। सिम्बा भी वॉक कर रहा है। चिमुड़ी, और ये है गुन्नू। गुन्नू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डॉगी। हाँ, डॉगी को बोलो, हमें मत भूलो, है ना। सिम्बू माय बेबी, सिम्बू और शिकाय कातरे हो तुम। हाँ, सिम्बा को गाइस मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, यही वजह है मैं इन्हें नहीं कटाना चाहता हूँ, है सिम्बू। गाइस, ये रहे हमारे सूर्यदेव। सो धूप निकल चुकी है। सो गाइस, आपने देखा अभी हमने घर का कुछ काम नहीं किया है, तो सिम्बा ने बोला आज मैं करूँगा सारा। तो सिम्बा सबसे पहले शुरुआत कर रहा है झाड़ू लगाने से। सिम्बा जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ, जल्दी जल्दी। मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, मैं ही लगाऊंगा आज। बेबी, तुम्हारे बस का नहीं है ये। सो गाइस, सिम्बा ने अब मान चुके हैं हार। सो गाइस, अभी मैंने कर लिया अपना फेस वॉश और मैं मानने जा रहा हूँ झाड़ू। मेरा गला भी हो रहा है ख़राब, तो चलो जाके अब झाड़ू मारते हैं। ये हो रही है हमारे घर की हालत, अभी मैं ये सारा साफ़ करने वाला हूँ, चलो फेंकते हैं। सो गाइस, नाश्ते में बने हैं मेथी के पराठे और चाय, तो चलो नाश्ता करते हैं। सो गाइस, अभी मम्मी और पापा थोड़े से ठंडियों के कपड़े निकाल रहे हैं, तो मैं और सिम्बा यहाँ साइड में आके बैठ गए हैं। सिम्बू और गाइस, मैं और सिम्बा तो कुछ नहीं करते, तो इसलिए हम साइड में जाके बैठ जाते हैं, एकदम खाना वगैरह ठूस के आराम से साइड में चले जाते हैं। सिम्बा तू करता है, मैं नहीं करता। बस हाँ, मैं नहीं करता, तुम करते हो। तो गाइस, अभी कपड़े निकालते हुए मिला है ये मेरा गुड्डू वाला बैग जिस पे मैं खेलता था, और इसकी दोनों आंखें पता नहीं कहाँ चली गई। और ये है मेरा बबलू, इससे भी मैं बचपन में खेला करता था गाइस। और यहाँ पे आ गया है दूसरा वाला, मेरे बहुत सारे खिलौना मिल गया है यहाँ। सो गाइस, सिम्बा खेल रहा है बबलू के साथ। बबलू अब सिम्बा का फ्रेंड बनने वाला है ना सिम्बा। ये है बबलू। सिम्बा कैसे लगा बबलू? सो गाइस, आप देख सकते हैं सिम्बा को बबलू इतना पसंद आ गया। ये देखो बबलू, गुच्चू बुच्चू बबलू। ये दिखाते कि मेरे से पैर लग गई गाइस। गाइस, हमारे दोनों खजाने के द्वार खुल चुके हैं, अब बहुत सारा खजाना निकल रहा है। पोंचू था, दीदी ने इसे पोंचू बनाया गया था, दीदी ने इसे सील सील के पोंचू बना दिया था, और अब शायद ये पोंचू नहीं है। अब गाइस देख सकते हैं आप, ये पोंचू बनाया गया था एक समय में दीदी का। और गाइस, मेरा सिम्बा मेरे खिलौने के साथ सो चुका है। यहाँ पे मेरे बंटी बबलू सब हैं। सो गाइस, सिम्बा चले गया है गाड़ी के नीचे और यहाँ से निकल नहीं रहा है। सिम्बा मेरे पास चिज्जी है। सिम्बा इधर आ, अभी ट्राई करता हूँ। ये देखो कितना चालू है, ऐसा लगा पता नहीं क्या फेंक दिया मैंने। ये ले। सो गाइस, सिम्बा फाइनली पकड़ा गया सिम्बा। चलो भाई सिम्बा, तुम पकड़े गए। क्यों गए थे वहाँ नीचे? क्यों? फाइनली सिम्बा पकड़ा गया है। गाइस, अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे अभी भी काम चल रहा है,
पापा ने मेरे लिए मेरी ठंडियों की टोपियाँ निकाल दी हैं, तो मैं पहन के ट्राई करूँगा कि टुपले अब कैसे आ रहे हैं मुझ पे। सो गाइस, ये मेरा पागल है क्या? सो गाइस, ये मेरा पहला टोपा। सो गाइस, अभी दीदी की लगी थी इससे, तो दीदी ने मेरे को अभी कुछ नहीं बोला क्योंकि अभी वीडियो बन रही थी। अगर वीडियो नहीं बन रही तो अभी मेरे मुँह में चपत पड़ चुकी रहती। हाँ मैम, वैसे मेरा टपला है, इसमें बहुत ही वाहियात लग रहा हूँ। आई थिंक मैं बिना टोपे के ज़्यादा सही लग रहा हूँ। सो गाइस, हम बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि सो गाइस, मामा डर के मारे अंदर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। गाइस गाइस करते रहो काम, धाम कुछ करो, हो गया। सो गाइस, देख सकते हैं आप मेरे घर में कितनी बेइज्जती होती है, फिर भी मैं किसी को कुछ नहीं कहता। सो गाइस, ये कैमरे में की सच्चाई है, कैमरे के पीछे की सच्चाई आज तक किसी ने नहीं देखी है। सो गाइस, आगे का ब्लॉग दिखाते हैं थोड़ी देर में, तो दुकान आगे रहने के। अब ये गुड्डू सिम्बा का बेस्ट फ्रेंड बन चुका है और आयुष अभी लगा रहा है झाड़ू। मैंने भी लगाया था हालांकि, लेकिन दोबारा गंदा हो चुका है, तो अभी आयुष मार रहा है। और सिम्बा को अपना बेस्ट फ्रेंड मिल चुका है, जिसे वो अभी मम्मी का वो मीशो से पार्सल आ रहा था, तो मैं अभी का अलग करने जा रहा हूँ। तो अभी भैया आ रहे हैं आगे पे, तो मैं अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। सो गाइस, जोर है भैया, मैं उनके पास जाके लेके आता हूँ अभी अपना पार्सल। तो गाइस, अभी मैंने पार्सल ले लिया है, अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर पहुँच चुका हूँ। सिम्बा यहाँ पे है खड़ा। सिम्बा आ जाओ, देखते हैं क्या है, आ जाओ। अरे आ जाओ सिम्बा, आ जाओ। तो ये सिम्बा भी आ गया। सिम्बा पार्सल लेके चले गया है, वो कहेगा, कह रहा है ये मेरा पार्सल है, कोई अनबॉक्स नहीं करेगा, जबकि ये पार्सल है मम्मी का। तो सिम्बा अनबॉक्स करेगा पार्सल को। सिम्बा करो जल्दी से, फाड़ो से। सो गाइस, सिम्बा ने थोड़ा थोड़ा फाड़ दिया है पार्सल को। वो कह रहा है मेरे बस की नहीं है अब, लेकिन वो तब भी ट्राई करेगा पूरा पार्सल को खोल के दिखाएगा। पता चलता है कि हार नहीं माननी चाहिए। सो गाइस, सिम्बा ने आधा अनबॉक्स कर दिया है पार्सल। सिम्बा पूरा करो अच्छे से, हाँ हाथों का भी इस्तेमाल करो। वेरी गुड, आयुष भैया से हेल्प ले लो। नहीं, उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, खुद करेगा सिम्बा पार्सल को अनबॉक्स। हाँ सिम्बा ऐसे ही करते हैं। खींचो इसको, मुझे लगता है जब पहली बार इसने पार्सल देखा है, इतनी जल्दी हो रही है सिम्बा को इसीलिए। नहीं उसमें नहीं लगेगा। खींचो खींचो खींचो। सिम्बा के बर्स की नहीं लग रही मुझे। गाइस, यहाँ पे आयुष के हाथ से सिम्बा ने दोबारा छीन लिया है कि मैं ही करूँगा, लेकिन ये गलत बात है, अभी आयुष करेगा। गाइस, यहाँ पे हो रहा है पार्सल अनबॉक्स। गाइस, ये अब खुल चुका है, आयुष जल्दी खोलो। सो ये है गाइस इयररिंग्स जो मम्मी ने मंगाए थे मीशो से। तो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा अच्छे और प्यारे आए हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो है गाइस, गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। मैं और गुनू अभी यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं आयुष और लक्की का वेट। वो आएंगे फिर यहाँ पे आग जलाएंगे, फिर हम सब लोग आग सेकेंगे, आपको मतलब देखने को मिलेगा। पहले सिर्फ हम मतलब तो जलाने वाले होंगे आग, फिर एक एक करके सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, है ना गुनू? आयुष आयुष भी आ चुका है, आयुष अभी पहन रहा है शूज़, और गुन्नू भी आ चुका है। ये सिर्फ आयुष को छेड़ता रहता है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे घर का लंगूर है, और लंगूरों की हरकतें तो आप देख सकते हो। तो गाइस, गुन्नू मुझे कह रहा है वहाँ से उसका अंगूर निकाल दो जो आयुष ने ऊपर फेंक दिया है। वो कैसे दिखाऊँ मैं, वो देखो वो पर्पल कलर का वो है। सो गुन्नू, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं कैसे निकालूंगा? कुर्सी में चढ़ूँ मैं? पक्का चढ़ जाऊँ? ओके।
सो गाइस ये रहा ये। सो गाइस दीदी की हाइट छोटी पड़ गई है, दीदी ऊपर तक नहीं जा पा रही है, तो मैं ही निकाल लेता हूँ। थोड़ा दीदी साइड हो जाओ। सो गाइस मुझसे तो ना हो पाया, गुल्लू देखे जा रहे हैं हम। सो गाइस अब जिसने फेंका था वही निकालेगा। आज ने निकाल दिया और मैं नहीं खा पाया। सो गाइस ये है जिसमें हम लकड़ी जलाएंगे और आयुष अब लकड़ी लेने चलना है। चलो, ये आयुष और गुन्नू हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं। ले सकते हैं किसी भी बड़े के। सो गाइस थोड़ी देर में आता हूँ मैं टॉम एंड जेरी। सो गाइस आज गुन्नू की धुलाई होने वाली है। गुन्नू तुम तो बच गए। सो गाइस मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि किसी भी बड़े के साथ जलानी चाहिए आग, जैसे कि ये लोग थे तो ये थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनके आग हम छोटे हैं। तो मैं आ चुका हूँ थोड़ा सीनियर विंग से। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम कैमरे मैन जल्दी से यही आगे। सो गाइस अभी हमारा कैमरा मैन है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम हमने दो तीन दिन पहले ही आधे से ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए यहाँ भी बहुत कम लकड़ियाँ बची हैं। तो अभी हम लेकर चलते हैं यहाँ से। तो अभी दीदी के उठाने में मदद करेंगे लकड़ियाँ, तो अभी हम थोड़ा ब्लॉग को बंद करते हैं, तो सीधा आग जलाते समय दिखाएंगे आपको। थैंक यू। ये आ चुके हैं भैया है अपना मुँह छुपाते हुए। ये भैया थे अपने गॉगल्स पहन लिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा भैया, भैया डंबल है भैया। आप जिम जाते हैं, आप उठा के दिखाओ। सो गाइस भैया जिम जाते हैं तो भैया बताएंगे हमें कैसे करते हैं एक्सरसाइज। देखो कैसे करते हैं, कैसे करके। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भैया बता रहे हैं कि कैसे करते हैं इसे एक्सरसाइज। भैया अभी अभी आए हैं ड्यूटी से और ये भैया ने अभी यहाँ पर रख दिया है। अब करो। दीदी आ चुकी है, दीदी उठाएंगे अब दोबारा से। उठा सकता हूं मैं वीडियो में आ गया ना, वीडियो फेमस हो रहा है। उसको बचा के करना, हाथ में तुरंत लगेगा क्योंकि वो स्लिप कर रहा है ना, स्लाइड कर रहा है इधर। अच्छा, उठा दिया मैंने। तो इसको ऐसे कर, पुल करो तो स्लाइड करेगा। सो गाइस बहन ने अभी बताया है कि ये थोड़ा सा इधर उधर स्लिप कर रहा है, तो इसे कैसे पकड़ना है। आयुष हमारे पास मासिस नहीं थी तो हमने ये अंदर से जला के लाए हैं और आयुष अभी जला रहा है और गुन्नू लकड़ी लेकर आया है। फुल सेफ्टी के साथ किया जा रहा है। आग कौन नहीं चलाएगा भाई घर में। तो गाइस बड़ों के आगे सामने भी कर रहा है ये काम। गुन्नू वॉरियर बन गए तुम, मतलब नहीं करना गाइस। बच्चे तो बिल्कुल भी ना जलाएं आग। आप गाइस आप देख सकते हैं हमारी आग जल चुकी है। अब एक एक करके अभी हम सिर्फ तीन हैं और सारे लोग अभी आ जाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं मैंने बहुत फालतू बोल दिया है। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। रात को हमको वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला था, तो हम वीडियो अभी एडिट करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आई व्लॉग। होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय सिम्बा, बाय कलो, बाय बाय बाय।